सुनो धर्म के नव आदिवासन में थे वो अपने अपने धर्मों के पास एक आनर है आनर और पूरे चौबीस महीने जीने वाले बीस लोग अपने होती है इसका अर्थ क्या बाबा क्या सुनो धर्म के नव आदिवासन थे वो अपने अपने धर्म के पास एक आनर और पूरे चौबीस महीने जीने वाले बीस लोग अपने होती है हाँ जी इसका अर्थ क्या बाबा जो नव आदिवासन का अर्थ क्या बाबा आदि रतन का मतलब सबसे पहले आने वाले इस सृष्टि में पहले पहले नंबर लेने वाले कितने हैं जो अपने अपने धर्म में पहला नंबर लेते हैं वो नौ हैं नौ ही धर्म हैं सूर्यवंश से लेकर के और आर्य समाजियों तक राजा ही तो चलती है ना तो नौ विशेष आत्माएं हैं जो उनकी राजाई की भी आदि करती हैं धर्म स्थापना में धर्म पिताएं आते हैं धर्म पिताएं तो आधार मूर्त हैं जड़े हैं पर उनसे भी पहले जड़ों से पहले क्या होता है बीज होता है तो बीज को आदि कहेंगे बाबा अष्टदेव और अष्टरत्न है अपने अपने धर्मों के मुखिया और जो अष्टदेव हैं, वो पूर्वज हैं उन उन धर्मों के पूर्व माने पहले पहले जन्म लेने वाले वो उन धर्मों के मुखिया नहीं बनते हैं वो तो सूर्यवंश में मुख्य हैं वो किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं अष्टदेवी है ना हाँ जी फिर इसमें कोई बाबा वो एक पास के बुक में आया है कि बाबा वो अष्टरत्न ही पास रूप आने वाले ऐसे आए बाबा को एडवाइस के रतन की वैल्यू एक दूसरे से कम भी हो सकती है क्योंकि जैसे हीरा भी रतन कहा जाता है वैसे माणिक पन्ना मोती ये भी रतन है परंतु इनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है और हीरे की वैल्यू सबसे जास्ती होती है तो रत्नों में कम वैल्यू वाले भी आ जाते हैं जैसे कम पावर वाले धर्म हैं वैसे उत्तरोत्तर कम पावर वाले रतन हैं लेकिन जो अष्टदेव हैं वो तो साफ सूर्यवंशी हैं देव बनते ही तब हैं जब 84 जन्म लेते हैं अगर 84 जन्म नहीं लिए तो उनको देवता नहीं कहा जाएगा हाँ अष्टरत्न उनमें एक ही रत्न ऐसा है जो 84 जन्म लेता है उसे कहते हैं हीरा सारे ड्रामा का हीरो पार्टधारी बाकी अपने अपने धर्म के जो मुखिया हैं वो उत्तरोत्तर कम वैल्यू के रतन हो सकते हैं लेकिन अष्ट देवों में उनकी गिनती नहीं कही जाएगी और जी बाबा अष्टदेव है बाबा कोई बात में आए कि तो चार उधर का फिर चार इधर का नीचे अष्टदेव होगा ये इसका
माना सूर्यवंशी चार, माना रुद्रमाला में से चार पहले, और उन चार में सहयोगी बनने वाली जो आत्माएं हैं जो उनको संपूर्ण बनाने में मदद करती हैं, प्योरिटी की पावर देती हैं, स्वभाव संस्कार से ही सदैव के शीतल इंद्रियों वाले हैं, तो वो प्योरिटी की पावर उन चार रुद्रमाला के मणकों को मिलती है तो आधा साझा हो जाता है। रुद्रमाला के जो चार मणके हैं पहले, उनकी ज्ञान की पावर और उनकी याद की तेज रफ्तार, उसकी पावर मिलती है चंद्रवंशियों को, जो चंद्रवंशी अपने को उन सूर्यवंशियों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे भारत में ये परंपरा है कि स्त्री बल दूसरी जाति की हो, नीच जाति की हो, परंतु ऊंच जाति वाले के साथ जब संबंध जुड़ता है तो अर्धांगिनी कही जाती है, हर बात में उसका आधा हिस्सा हो जाता है। तो ऐसे ही है ये चार रुद्रमाला के हैं तो ऊंच वंश के सूर्यवंशी हैं ओरिजिनली, चंद्रवंशियों में आने वाले, चंद्रवंशियों से आने वाले चार ओरिजिनली सूर्यवंशी नहीं हैं, सूर्य की संतान नहीं है, फिर भी वो अपनों को कन्वर्ट कर देते हैं सूर्यवंश में। जैसे चलाओ वैसे चलेंगे तो उनका आधा हिस्सा हो जाता है, इसलिए वो अष्टदेव कहे जाते हैं पहले पहले। अब देव सिंगल तो होते नहीं है, डबल होते हैं या निवृत्ति मार्ग के होते हैं, हैं? डबल होते हैं। तो चार और चार, तो जो आठ हुए वो तो चार ही डबल हुए ना, चार ही निवृत्ति मार्ग के डबल मणके कहे जाएंगे ना, आठ तो नहीं हुए। इसलिए रुद्रमाला के आठ और चंद्रवंश से आठ, अर्थात विजयमाला से आठ, दोनों ग्रुप का संयोग होता है, और आठ सोलह है, टोटल कहे जाएंगे आठ युगल मणके। तो जब रुद्रमाला विजयमाला में ऐड होती है तो रुद्रमाला सिंगल की माला है या युगल मणकों की माला है, है? रुद्रमाला सिंगल आत्माओं की माला है, और विजयमाला, विजयमाला में जो पहला ऊपर का मणका है वो डबल दिखाया जाता है, वो यादगार है। ये सारे ही 108 मणके डबल हैं, दो आत्माएं तो हैं परंतु दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो गए, इसलिए वो आत्माएं 216 होने के बावजूद भी युगल मणके कितने हैं? 108। तो 108 की विजयमाला कही जाती है। और हाँ जी, तो फिर उसका जो युगल बनने वाला तो फिर वो तो अष्टमध्य, वो भी वो तो फिर पास होते नए आएंगे ऐसे बोला जो लक्ष्मी है जो प्रजापिता के जोड़ी, हाँ वो तो फिर बाबा वो तो सजा खाने वाली है, वो अष्टमध्य में आने वाले है, फिर कैसे उसको फिर युगल बनेगा जब ऐड हो गई?
पहले ऐड कौन होगा? पहले लक्ष्मी नारायण ऐड होंगे, जो सूर्यवंश के आदि हैं, पूर्वज हैं, या रुद्रमाला का पांचवा मणका और विजयमाला का पांचवा मणका, वो ऐड होकर के एक बनेंगे। अरे जो राजधानी तैयार होगी पहले पहले, वो थोड़ों की होगी या ज्यादा की होगी? पावरफुल मणकों की राजधानी बनेगी या बाद वाले कमजोर मणकों की राजधानी बनेगी? तो पावरफुल तो यही है सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लामी और बौद्धी, बाकी तो कमजोर आत्माएं हैं। और बीके वाला को कब पता पड़ेगा कि साकार में बाबा आया हुआ है? आप बीके वाले नहीं थे तो आपको जैसे पता पड़ गया, वैसे उन बीके वालों को भी पता पड़ जाएगा। आप बीके वालों के बीच में पहले नवेले नंबर ले लिया, कोई बीके वाले हैं जो बाद वाला नंबर लेंगे? और विजय माला की एड होने के बाद अष्टदेव की लिस्ट में आएंगे? कौन अष्टदेव की लिस्ट में आएंगे? विजय माला। विजय माला में से नंबर बार ही तो आएंगे, इकट्ठे थोड़े ही आएंगे। विजय माला से भी पहला मणका पहले आएगा, ऐड होगा, या 108 इकट्ठे आ जाएंगे, पहले आएगा। और बाबा लक्ष्मी भी सदाई भोगी ऐसे आया है बाबा? लक्ष्मी भी सदाई भोगेगी, अष्टाध्यायी में आएगी, कजूरी में आएगी, ऐसे कहीं आया है बाबा सदा? लक्ष्मी भी सदाई भोगेगी। लक्ष्मी सजाएं भोगेगी? क्यों भोगेगी सजाएं? अभी सजा भोग रही है। इसलिए मुरली में बताया है, त्रिमूर्ति में तीन शेर दिखा दिए हैं, वास्तव में तीन शेर हैं नहीं, एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। तो बकरी का जो कान पकड़ लेता है वह उसी के कंट्रोल में आ जाती है, तो ये सजा हो गई ना। कान पकड़ना माने जो उसको सुना दे पकड़ के, जिसने कान पकड़ा हुआ है वो उसके कान में दूसरों की आवाज नहीं जाने देती। जिसने कान पकड़ा हुआ है उसकी इबादत का तरीका ही ऐसा है, कान में उंगली दे लो। हाँ इसके अर्थ बाबा लक्ष्मी वालों में लक्ष्मी आत्मा भी पार्श्विक अंग में आएगी? जब सूर्यवंशी बन गई और सूर्यवंशियों के बीच में पहला युगल मणका है या बाद वाला युगल मणका है, तो फाइनली पार्श्विक दानर की लिस्ट में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आधा आधा का बंटवारा हो गया ना, जैसे कोई धंधा करते हैं तो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आधे साझे का बंटवारा कर लेंगे, तो लक्ष्मी नारायण का भी बंटवारा हो जाता है। दोनों का अपना अपना अलग अलग पुरुषार्थ। अव्यक्त बात बाप दादा ने भी बोल दिया, किसको बोला कि विजयमाला का आवाहन करो? विजयमाला वालों को बोला? चंद्रवंशियों को बोला? किसको बोला? रुद्रमाला वालों को बोला कि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है।
बाबा जो शिव शक्ति जो शब्द है बाबा केवल जो इस चीज खुला है उसके ही लागू होता है। और कौन सा शब्द? शिव शक्ति जो सेना है, शिव शक्ति है हाँ। जो शब्द है बाबा केवल ध्यान छोड़ा वाले को लागू होता है या पुरुष छोड़ा को भी लागू होता है? पुरुष दुर्योधन दुशासन है क्या शक्ति है प्योरिटी की? आप जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दो। तो बाबा बोल रहा है नहीं, ये बाबा ऐसे ही फालतू बोलता रहता है। और जो रुद्रमाला के मध्य जो स्थित सोलह उसको शक्ति सेना कर सकती नहीं जो रुद्रमाला की। हाँ तो वो जगदम्बा की भुजाएं हैं या वैष्णवी की भुजाएं हैं? हैं? किसकी भुजाएं हैं? स्त्री चोले। जो स्त्री चोले हैं रुद्रमाला में पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं जन्म जन्मांतर के, दुर्योधन दुशासन स्वभाव संस्कार के हैं जन्म जन्मांतर के, तो उनको किससे टैली करेंगे? जगदम्बा के पुरुषार्थ से टैली करेंगे या वैष्णवी के पुरुषार्थ से टैली करेंगे? जगदम्बा के साथ टैली करेंगे। अरे ये निकले कैसे, कौन निकला जिसके बाद ये निकले हैं? इनको निकालने के निमित्त कौन बनी? तो जो निमित्त बनी है उसमें ही डिफेक्ट आ जाता है इम्प्योरिटी का। जैसा रचयिता होगा रचना भी वैसी ही होगी। हाँ, किसी में इम्प्योरिटी के कम संस्कार, किसी में जास्ती संस्कार। और यहाँ जितने बैठे हैं यज्ञ के आदि से जो यज्ञ चला है वो सब अंदर वाले हैं या बाहर वाले हैं? ये जो जितने बैठे हैं गृहस्थी से आए हैं या सरेंडर हैंड से हैं शुरुआत से यज्ञ में? बाहर वाले हैं ना, बाबा तो बोलते हैं अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। और भूकंप आता है तो उस समय कैसे रहा जाए कि सुरक्षित रहे? बाबा की याद में रहा जाए तो सुरक्षित रहेंगे, घबराहट में ना आया जाए। और बाबा आप इससे आने वाला दान ज्यादा से ज्यादा आंध्र का ही होगा ना? आंध्र का? बाबा के में आंध्र प्रदेश का अंदर अंदर का बाबा को जो बढ़कर सेवा देते हैं। अंदर क्या होता है? बाबा को जो सरेंडर किया है मन से, कागज पे लिखे देने से सरेंडर होते हैं या सरेंडर होने की परिभाषा कुछ और है? हाँ, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार अगर हैं, पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हैं, मनमत नहीं चलाते हैं, मनुष्य मत पर नहीं चलते हैं, तो सरेंडर है। अब बीच बीच में अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं तो उनको सरेंडर करेंगे? सरेंडर तो नहीं कहेंगे। सर अंडर हुआ या सर ऊपर है? और सर लेफ्ट साइड जो है वो अशुभ संकेत है, राइट साइड जो है वो शुभ संकेत है, है? त्रिमूर्ति के चित्र में जो है विष्णु का राइट साइड तो और ब्रह्मा लेफ्ट साइड तो और प्रतापरा दिखाते हैं। इनमें स्त्री का पार्ट किसका है और पुरुष का पार्ट किसका है?
ब्रह्मा ब्रह्मा स्त्री है स्वभाव संस्कार से या पुरुष है? स्त्री है। तो जब स्वभाव संस्कार से स्त्री है, जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार उस आत्मा में स्त्रीत्व के हैं, सहानुभूति के हैं, पालना के हैं, तो वो दुर्योधन दुशासन है या भारत माता के संस्कार के हैं? माता के संस्कार हैं। प्रजापिता है, पुरुष स्वभाव है। और बाबा जो सूक्ष्म शरीर जो ब्रह्मा का है ना, है सूक्ष्म सर्वेश ब्रह्मा का, तो वहाँ पर चेहरा मेरा बदल जाता है क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उनका संग का रंग लग जाता है गुलजार दादी का। गुलजार दारी कौन से धर्म में जाएगी? आर्य समाज में तो ज्यादा देहवान होगा या कम होगा? तो जिसमें ज्यादा देहवान है उसके संग के रंग में ब्रह्मा की सोल पहुँचेगी तो देह अभिमानी बनेगी कि आत्मा अभिमानी बनेगी? देह अभिमानी बन जाती है, इसलिए सूक्ष्म शरीरधारी बन जाती है। प्रजापिता के संसर्ग संपर्क में आती है, संग में आती है, तो बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। और संन्यासी लोग कहते हैं स्वर्ग की सुख का विस्तार समान है, इसका विस्तार समान क्या है? कागविष्ठा समान का सुख का मतलब ये है कि वो स्वर्ग में जाते तो हैं नहीं, जाते हैं तो अंगूर खट्टे हैं। और बाबा मुरली में गाय नहीं थी, पद्मा पद्मा भाग्य सारी ठीक है, पद्मा पद्म भाग्यशाली हो। तो इसमें झूठा है क्या है? इसका आधार है कि तुम जो भी कदम बढ़ाते हो, श्रीमत पर चलते हो, उस एक एक कदम में पदम भरे हुए हैं। अंक होते हैं ना, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, तो आखिरी क्या है? पदम। तो एक एक कदम में इतनी वैल्यू भरी हुई है, अगर श्रीमत के अनुसार कदम उठाया जाए, कदम कदम पर श्रीमत लेना है, तो श्रीमत क्या कहती है? हर कदम में जो भी श्वास लेते हैं उसमें बाप की याद होनी चाहिए या नहीं? उस बाप की याद में जो हम कर्म करेंगे वो कर्म हमारे सुकर्म बनेंगे, विकर्म बनेंगे, सुकर्म बनेंगे। तो हर एक कदम में पदम भरा हुआ है। जी बाबा, जो मन है ना, जो विज्ञान लोग कहते हैं कि वो मन कोई एक इच्छा ऐसे तत्व से पसा होती है, जात हो आगे से मिलते हैं, कौन सा दावा? वो मन जब चलेगा तो मन चलेगा, जब मन चलेगा तो किसके आधार से जो स्थान तक पहुंचेगा, वो उसका मन का संदर्भ कैसे पहुंचेगा? वो कहाँ पहुंचेगा? दूसरे स्थान तक कैसे पहुँचेगा वो? जब मन का संकल्प होगा तो किसके आधार से पहुँचेगा? कहाँ पहुँचेगा? दूसरे स्थान पर, जैसे कोई बोलेगा तो उसका तो आधार होगा ना, जैसे कोई आवा, ऐसे जैसे मन का आधार क्या होगा बाबा दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए? जब कोई संकल्प करेगा एक स्थान पर बैठकर, तो दूसरे स्थान का वाले का जो उसके मन में पहुँचेगा ना, वो तो तभी पहुँचेगा जब दोनों तरफ से कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा। एक तरफ से कनेक्शन कट हुआ पड़ा है, मन एकाग्र है ही नहीं, मन हिलता डुलता है, और एक तरफ से मन एकाग्र है, और एकाग्र मन की शक्ति ज्यादा होती है या हिलते डुलते मन की शक्ति ज्यादा होती है? एकाग्र मन अपना संकल्प पहुंचा रहा है वहां, और जो दूसरा व्यक्ति है वो हिलता डुलता मन वाला है, तो दोनों तरफ से तार जुड़ा आया नहीं जुड़ा तो संदेश नहीं पहुंच सकता। इसके अर्थ वो जो एकाग्र चित्त वाले हैं वो पार्ट हुए, लेकिन दूसरे वाले एकाग्र चित्त में तो पार्ट तक वो पहुंच नहीं सकता, नहीं पहुंच सकते।
अरे टेलीफोन का एक कनेक्शन इधर से जुड़ गया और उधर से नहीं जुड़ा तो बात होगी नहीं होगी। किसी ने उधार खाया, जिसने उधार खाया बीच में उसने शरीर छोड़ दिया तो उसकी शूटिंग कैसे होती है? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा का भागीदार था, ब्रह्मा बाबा की संपत्ति का पूरा हिसाब किताब दिया था उसने, नहीं दिया तो उसका हिसाब किताब कैसे मिला उसको? अगले जन्म में गरीब बनता है या साहूकार बनता है? गरीब बनता है। ऐसे हिसाब किताब पूरा हो जाता है। संस्कृत भी हुआ था, स्वास्तिक हाँ संस्कृत संस्कृत हाँ शास्त्र किसका लिखा हुआ? कोई एक आदमी ने थोड़ी लिखा है, लिखने वाले ढेर के ढेर हैं। उनमें पहला पहला है व्यास, जो भी संस्कृत में आता है, जो किताब में संस्कृत में ढेर सारी किताबें लिखी गई हैं। लिखने वाले ढेर के ढेर हैं शास्त्रकार। मनुस्मृति मनु ने लिखी, मार्कंडेय पुराण मार्कंडेय ने लिखा। तो अलग अलग शास्त्र जो हैं वो अलग अलग मनीषियों ने लिखे हैं। बाबा जो बोलते हैं बाबा भी बोलते हैं, बाबा क्या बोलते हैं? बाबा तो सभी शास्त्रों की बातें बोलते हैं, सभी खास गीता की बातें बोलते हैं। गीता में वो संस्कृत जो गीता में जो संस्कृत आई है वो गीता आदि का शास्त्र है, वेदों से भी आदि है। किसी का लिखा हुआ तो वो ही व्यास है। गीता ज्ञान का बीज क्या है? जो हमारी सच्ची गीता है उसका बीज कब बोया गया? अरे यज्ञ में जो हमारी सच्ची गीता है, सच्चा गीता ज्ञान है, उसका बीज कब बोया गया? यज्ञ के आदि में बोया गया। निमित्त कौन बना? बीज बोने के लिए शिव तो है, बीज बोने वाला आत्मा सुप्रीम सोल, लेकिन वो किसी को साकार को निमित्त बनाता है, वो कौन बना? प्रजापिता। तो वो ही पहला पहला व्यास है। वो हिंदी में है, वो हिंदी में बाबा जो कुछ बोलते हैं वो हिंदी में है, लेकिन क्या वो जो कुछ बोला यज्ञ के आदि में वो ब्रह्मा को समझ में आया? नहीं आया। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया, जो गीता बोली गई, वो क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की समझ में आई? हाँ? नहीं है। तो वो भाषा परिष्कृत भाषा कहेंगे या अनसुधरेली भाषा कहेंगे? अनसुधरेली है, क्लियर नहीं हुआ। वो भाषा ही क्या जिसका भाव क्लियर न हो? तो भक्ति मार्ग में संस्कृत बना करके शूटिंग करते हैं, संस्कृत भाषा है, समझ नहीं आता। एक एक अक्षर का अर्थ है। एक संस्कृत ही एक ऐसा ऐसी भाषा है जिसमें एक एक अक्षर का अर्थ है। अक्षरों से मिलकर के शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर के सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। वाक्यों का भी अर्थ है, शब्दों का भी अर्थ है, शब्दों में एक एक शब्द है, उस शब्द अक्षर है, उस अक्षर का भी अर्थ है। और
धर्म प्रधान से सत्य प्रधान बनने में 40-50 वर्ष लगता है। हाँ जी, हम लोगों का उम्र 50-60 का हो गया है। आप 50-60 के हुए? 60 के भी बेसी हो गए। हाँ, ज्ञान में चला हुआ 5-7 वर्ष हुआ। 5-7 वर्ष हुआ हुआ। हाँ, अब हमारा स्थिति क्या हो? तो बाबा जो बात बोलेंगे वो पहले नंबर के हिसाब से बोलेंगे या जो 4.5 लाखवा नंबर आने वाला है राजधानी में उसके हिसाब से वाणी बोलेंगे? पहले नंबर के हिसाब से वाणी बोलिए। पहला नंबर जो है वो 76 में उस स्टेज में आया जिसके लिए 40 वर्ष ऐड किए गए पुरुषार्थ के, बाप को याद करने के। वो 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो वो तमो प्रधान से क्या बनता है? सत्व प्रधान बनता है। फिर उसके साथ साथ औरों के नंबर लग जुड़े हुए हैं, वो 8 कहे जाते हैं। दादा, जो आत्मा वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंद कहते हैं समूह को, संगठन को, और वन कहते हैं जंगल को। वृंदावन का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण देव आत्माओं का जो समूह इकट्ठा हो गया, जहां वो समूह इकट्ठा हुआ उसका नाम रख दिया है वृंदावन। कितने गोपी इकट्ठे हो गए? 16,108 गोपियां इकट्ठे हो गए, वो बेहद का वृंदावन हो गया। गोप वृंद, गोपी वृंद, आप सुनिए ना, ध्यान से, आवाज ही नहीं आ रही है। भक्ति में दिखावा होता है। ये भक्ति का दिखावा कब तक चलेगा? जब तक हमारे अंदर भक्ति के संस्कार हैं। हमारे भक्ति के संस्कार खलास हो जाएंगे तो दिखा भी बंद हो जाएगा। परिवार को दिखावा करना पड़ता है, बोलती है भक्ति का परिवार। दिखावा जो करना पड़ता है तो हम आधीन हैं या स्वाधीन हैं? हम राजा बने हैं कि आधीन प्रजा बने हैं? प्रजा बने, प्रजा बने। बाबा, हाँ, ब्रह्मा की आज्ञा पूजा व आज्ञा का कोई कैसे आ सकता है? इसके लिए पुरस्कार से क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए, भुजा माने सहयोगी। जो सबसे ज्यादा सहयोगी बनेंगे और सतो प्रधान सहयोगी बनेंगे, ऐसे सहयोगी नहीं कि आज तन का धन का सहयोग दे दिया और कल वापस ले लिया या वापस मांगने लगे, तो सतो प्रधान सहयोग हुआ या रजो और तमो प्रधान सहयोग हुआ? तमो प्रधान सहयोग हो गया। ऐसे सहयोगी नहीं, सतो प्रधान सहयोगियों की लिस्ट में जो 1,000 आएंगे वो ब्रह्मा की 1,000 भुजाएं कही जाएंगी। ब्रह्म पिता शिव परमात्मा की स्मृति में रहने के बाद पल पल जो ऐसे रोकती है बाबा, रोकते स्मृति नहीं होती है घड़ी घड़ी
घड़ी घड़ी स्मृति होनी चाहिए तो श्वास और श्वास स्मृति नहीं हो पाती है। उसका कारण है कि 63 जन्मों में जो हमने पाप किए हैं वो पाप कर्मों की रील अभी घूम रही है। उस रील में जब पाप कर्म उदय होते हैं तो हम कितना भी अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना चाहें लेकिन नहीं होता है। माया के परछावे के अंदर हम आ जाते हैं और हमसे पाप कर्म हो जाता है, बाप की स्मृति भूल जाती है। जब वो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तो घड़ी घड़ी हमको स्मृति पक्की हो जाएगी। बाबा प्रैक्टिकल जीवन में बाबा को याद करते हुए भी कर्म विनाश हो रहे कि हम कैसे अनुभव करें? खुशी आएगी, हल्कापन महसूस होगा। जब हल्कापन महसूस होता है, खुशी बढ़ती है ब्राह्मण जीवन में, तो समझना चाहिए हमारे पाप कर्म बस हो रहे हैं, हम हल्के हो रहे हैं, नहीं तो बाहर ही हो रहे हैं। बाबा हाँ, एक आत्मा ज्ञान में है, एक आत्मा ज्ञान में नहीं है। हाँ, तो बंधन से भी मुक्त है तो उसको बंधन कैसे छूटेगा? उसका बंधन कैसे छूटेगा? पति का बंधन छोड़ो तो छूटे अपने आप कैसे छूटे? पेड़ को पकड़ लिया और कहते हैं पेड़ हमको नहीं छोड़ता। ज्ञान में कैसे आए थे? कैसे आए थे? तो ज्ञान में माने हमारा मोह लगा हुआ है ना कि दुनिया चाहे ज्ञान में आए या ना आए लेकिन हमारा युगल पहले आ जाए। अरे बाबा ने तो दे दिया ना वरदान कि तुम्हारा पूरा परिवार आगे पीछे आज नहीं तो कल ज्ञान में आ जाएगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान में आए या ना आए लेकिन तुम्हारा परिवार 4.5 लाख की लिस्ट में आएगा तो अधीर क्यों होते हो? और जैसे कि संगठन क्लास जो होते हैं ना, संगठन क्लास, उस संगठन क्लास में कोई सुबह सलाह क्लास करते हैं, कोई दिन में क्लास करते हैं, दोपहर को, वो ये रहा कि नहीं अलग अलग संगठन क्लास करते रहा फिर हाजिरी कभी हुई या नहीं हाजिर पति में हाजिरी बंद कर संगठन का हुआ। अगर सुबह के क्लास में एक आया, दोपहर के क्लास में दूसरा आया, शाम के क्लास में तीसरा आया, उसे संगठन थोड़े कहेंगे। संगठन माने इकट्ठे हो एक जगह एक स्थान पर एक समय में, तब संगठन कहा जाए। और बाबा जैसे कि क्लास चलते चलते बीच में फिर अपनी वार्ता चलाते हैं अपनी मेंबर्स से, ये अच्छा है कि बुरा है? बाबा की वाणी सुनना चाहिए और बाबा की ही वाणी सुनानी चाहिए, अपनी मनमत क्यों मिक्स करना? क्लास चलते चलते ही बीच में बोलने लग जाते हैं तो वो हम अपनी मनमत क्यों मिक्स करें? जैसे ब्रह्मा के तन से बाबा ने मुरली चलाई तो ब्रह्मा के तन से वो मुरली क्लियर तो नहीं हुई उस समय, तो क्या शिव बाबा अपने आप क्लियर नहीं करते? जब टाइम आता है तो शिव बाबा खुद ही टीचर बन करके, जब हमारी ऐसी स्टेज हो जाती है समझने लायक कि हमारी आत्मा की बेसिकली कट उतरती है, बिंदु रूप स्टेज में हम टिकने लायक होते हैं, हमारी मन बुद्धि सूक्ष्म बनती है, तो शिव बाबा स्वयं ही स्टेज टीचर बनकर के हमको समझाते हैं। जब शिव बाबा खुद ही हमको सब कुछ दे रहा है तो फिर हमें बीच में इंटरफियर करने की क्या दरकार? और जिनके गुरु बनकर के बैठने के संस्कार होंगे वो अपनी शूटिंग करेंगे कि नहीं? वो कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब विनाश को पाएगा। हाँ, तो बाबा ये स्वर्ग की राजधानी कैसे बची रहती है? वो इन आंखों से देखते हो तुम, ज्ञान के नेत्र से देखते हो। इन आंखों से अगर देखते होते स्वर्ग की राजधानी तो ज्ञान लेने से पहले भी तुम्हें दिखाई पड़नी चाहिए, तुम्हारी आंखें तो थी।
ठीक है नहीं? ठीक है। तुमने स्वर्ग की राजधानी को देखा था? आप देख रहे हो? ये इन आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है। न स्वर्ग इन आंखों से दिखाई देता है, न परमधाम इन आंखों से दिखाई देता है, न शिव बाबा इन आंखों से दिखाई देता है, अपनी आत्मा का पार्ट भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता। तो ये विनाशी चीजें नहीं है, जो इन आंखों से दिखाई देती है वो विनाशी चीज है, सब नष्ट हो जाएगा। तो दिल क्या लगन? बाबा ये स्वर्ग का सुख जो है ना, ये प्रैक्टिकल सुख है या अनुभव का सुख है? प्रैक्टिकल अनुभव का सुख है, अनुभव भी होता है, है? अनुभव भी होता है, अनुभव भी होगा। क्या वहां इंद्रियां नहीं होंगी? नहीं होंगी। बाकी अतीन्द्रिय सुख जो है वो संगम युग में प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग के पुस्तकों में लिखे हैं कि स्वर्ग में जो खाद्य चीज है वो जल और हवा दो चीज है, है? जो है ना वो चीज स्थूल चीज तो उसमें दिखाया हुआ नहीं है। भक्ति मार्ग के लिखे जल और हवा स्वर्ग में जो खाद्य पदार्थ है ना, हाँ, स्वर्ग का देवता लोग, देवता लोग खाते हैं वो जल और हवा से खाते हैं। जल और हवा खाते हैं, कल्पवृक्ष नहीं था वहाँ? पता नहीं शास्त्र में कल्पवृक्ष का नाम आया कि नहीं, और कल्पवृक्ष में फल आते थे कि नहीं आते थे? हाँ आते थे। तो ऐसे नहीं, बाबा जो बात कहते हैं उस बात को काटने वाली बात शास्त्रों में से नहीं उठानी है। फल वृक्ष वृक्ष है, फल वृक्ष जो है ना वो स्थूल है। हाँ बाबा तो मुरलियों में बोलते हैं कि वहाँ फल भी सात्विक होंगे, बाकी जानवर भी सात्विक होंगे, बाकी चिड़ियां भी सात्विक होंगी, हवाई जहाज भी सात्विक होंगे। एक्सीडेंट होगा ही नहीं, और बाबा ज्ञान में कर लेते स्वर्ग बड़ी खुश हो जाती है, तो उस में पसंद और लेते सुख बहुत पार होते हैं। अन्य चंद्र हुए छोटी बड़ी भूल हो जाती है, और उस भूल को पश्चाताप करने के लिए करने से फल मिल जाता है। नहीं उस पद पा सकते हैं, उस पद पा सकते हैं। पश्चाताप इस तरह नहीं, पश्चाताप बाबा ने इस तरह बताया कि जो भी भूल हुई है वो लिख करके बाबा को दो, तब आधा माफ होगा। आधा अपने पुरुषार्थ से पूरा करना है। बाबा जी सही तो साथी परिकल्पना बस ये तो सीमा से है, वास्तव में कब से शुरू होता है बाबा ये बात, कब से सारी होता है? वो तो अभी भी चल रहा है, है पुरुषार्थ में जब ऊंचे चढ़ते हैं तो हल्कापन और खुशी महसूस होती है या दुख महसूस होता है? है खुशी महसूस होती है। साथ में नीचे गिरते हैं तो दुखी हो जाते हैं। महाविनाश होने से पहले बाबा बच्चों की मधुबन जाने के संकेत हुआ, उस वक्त जिन जिन भाई बहनों के पास ये कोई छोटे पैसे नहीं रहेगी उस पास, उस समय भाई बहनों के पास में एक कौड़ी फूटी पैसे नहीं रहेगी, पर्वत जाने में गाड़ी भाड़े किराए देने के लिए
वो भाई हम भाई बहन कैसे जाएंगे घर पर आ जाएंगे तो शरीर छूट जाएगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था ना तो हिंदू पाकिस्तान से इंडिया में आए और इंडिया के रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान में गए। उस समय भी गरीब लोग होंगे या नहीं होंगे, तो ट्रेन में चढ़े होंगे या नहीं चढ़े होंगे है? अरे आजकल एजिटेशन होते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं निकालते हैं दिल्ली में ले जा करके, निकालते हैं कि नहीं? ऑल इंडिया से लोग इकट्ठे होकर के जाते हैं, टिकट लेके जाते हैं है? भर जाते हैं ऐसे ही जाके भागो भागो। तो किराया अभी से जमा कर दो बैंक में। भगवान है बच्चों का, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों है? याद का चार्ट, याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों है? याद का चार्ट रखना सबको थोड़ी मुश्किल रखता है, जो रखने वाले हैं वो रख रहे हैं, नहीं रखने वाले नहीं रख रहे हैं। जिनकी प्रैक्टिस पक्की हो गई चार्ट रखने की, वो रात को सोने से पहले 5 मिनट अपना चार्ट सारा देखते हैं और लिख देते हैं। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो अभी भी नहीं कर रहे हैं। रामायण यहाँ तो आगे वाले ने किसी बात ही नहीं समझी आती। बेहजमी भक्ति मार्ग में जो भक्ति मार्ग के लोग होते हैं ना, रामानुजाचार्य से श्री वैष्णव धर्म और निम्बा का चार्य से निम्बा का धर्म स्थापना होते हैं, इसका बेहद में कैसे शूटिंग हुई? यहाँ भी है, लेकिन मैं अपनी 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 तरीके से मुरली को डिस्कस करते हैं ना, अपने अपने तरीके से डिस्कस करते हैं, अपने अपने तरीके से बताते हैं। ब्रह्म कुमारी अपने तरीके से बताती है मुरली को, एडवांस पार्टी वाले अपने तरीके से बनाते हैं बताते हैं, विष्णु पार्टी वाले अपने तरीके से बताने लग पड़ते हैं। तो अलग अलग मठपंथ स्थापन हो रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही हो रहे हैं। भक्ति मारे के कितने लोग गीता से भी वेद को आगे मानते हैं हाँ? तो जैसे अभी जैसे भक्ति मार्ग में गीता के भगवान श्री कृष्ण समझ लेते हैं, ऐसे ज्ञान मार्ग में अभी ब्रह्म बाबा को ही साकार बाबा का माध्यम समझने का बोल किया है, तो भक्ति मार्ग में वो बोल रूपित होता है। ठीक है, इसी तरह वो भक्ति मार्ग में गीता से भी कहीं वेद को समझने का भूल वाली समय में कैसे छुट्टी होती है? भक्ति मार्ग वाले जानते ही नहीं है कि गीता असली पहले है या वेद पहले है। जैसे ज्ञान मार्ग वाले नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा की वाणी पहले है या ब्रह्मा बाबा को सिखाने वाले की वाणी पहले है। ज्ञान मार्ग में ब्राह्मण लोग जानते हैं, विद्वान लोग तो है लेकिन जानते नहीं, नहीं जानते। तो ऐसे ही वहाँ भक्ति मार्ग में भी शूटिंग होती है। भक्ति मार्ग में भी बेचारे जानते ही नहीं है कि वेदों से भी पहले गीता के श्लोक निकल चुके थे,
वो कहता है कि श्लोक बाद में महाभारत में ऐड किए गए। वो लोग बोलते हैं बाबा गीता तो भगवान ने सुना है लेकिन वेद को तो कोई रचयिता ही नहीं, अपौरव से ऐसा ही आया ऐसे बताते हैं। वेदवाणी कहते हैं ब्रह्मा के मुख को, नहीं वो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। अभी बोलते हैं हमें पता ही नहीं है, मतलब उसका कोई पुरुष नहीं ऐसा बोले। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो पुरुष है ना? नहीं वो लोग बोलते हैं वेद का वो चार खंड हुआ है, लेकिन वेद तो ऐसे पहले से था ब्रह्मा ने, उसका चार खंड चार खंड ऐसे बताते। अरे शास्त्रों में ही लिखा हुआ ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, लेकिन अपौरुषीय बोलते हो। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है वो वेद के वाक्य है, वेदों के महावाक्य काटे नहीं जा सकते। ऐसे ही मुरली के वाक्य जो हैं वो काटे नहीं जा सकते, ब्रह्म वाक्य है वो, भले उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है अभी। बाबा ये ज्योतिष शास्त्र सत्य है या झूठ है? सच्चा है, जैसे गणित है वो सच्चा है या झूठा है? मैथमेटिक्स सच्चा है, जो अच्छा मैथमेटिशियन होगा वो सही हिसाब निकालेगा, अच्छा मैथमेटिशियन नहीं होगा, गणितज्ञ नहीं होगा तो गलत हिसाब निकाल देगा। ऐसे ही जो अच्छा ज्योतिष शास्त्री होगा वो अच्छा भविष्य निकालेगा। अगर जानकार नहीं है तो उसका भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। ज्योतिष और साइंटिस्ट में अभी तक है, अभी तक अर्थक्वेक जो है ना भूकंप इसको कोई भी पता लगा नहीं सकता है। ज्योतिष और साइंस ने अभी तक जो अर्थक्वेक आता है भूकंप पहले से ही पता नहीं कर सकता। हाँ तो अधूरा है ना बाबा, सही बात बताते हैं कि 2036 तक इतने इतने भूकंप आएंगे जो सारी दुनिया खेल खलास हो जाएगी। ये ज्योतिष शास्त्र मनुष्यों का बनाया हुआ, साइंस भी मनुष्यों की बनाई हुई, और जो गीता ज्ञान है वो भगवान का दिया हुआ है, वो भी असली नकली नहीं। लक्ष्मी राज्य जो स्वर्ग होता है ना उसमें यथा राजा रानी स्थापना सब संपन्न होते हैं, प्रकृति वो क्या चल रही है फायदे से है। तो ये जो आठवां नंबर जो नारायण होता है उनके राज्य में तो क्या कमी होती है जो उनको सारा कर्जा भी अपना राज्य राम प्रजा के साथ कर्जा लेकर के राजा ही चेक करना पड़ता है। नास्तिकता होती है, नास्तिकों का ये नियम है ऋणम कट्वा गतम पीबे, उधार लिए रहो भी पिए रहो। तो उस टाइम तो उसने यथा राजा प्रजा सब छोड़ के वो आखिरी जन्म की सारी प्रजा ऐसी ही होती है, उसकी शूटिंग यहाँ संगम युग में होती है। संगम युग में जगदीश भाई जैसे राजाएं निकलते हैं, वो ज्ञान कम अर्जन करते हैं, ज्ञान को मनन चिंतन मंथन मुरली का कम करते हैं, अपनी अपनी मनमत ज्यादा निकालते हैं, उस मनमत के आधार पर बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिख देते हैं, उन ग्रंथों से खूब कमाई होती है, पैसा खूब मिलता है, मान मर्तबा खूब मिलता है, हवाई जहाजों में चक्कर खूब काटते हैं। संगमयुग में ये करते हैं लेकिन वहाँ संगमयुग में शूटिंग होती है, वहाँ ऑटोमेटिक मिलता है। तो वहाँ भी लोगों को प्रकृति से ऐसे खाने पीने का सामान नहीं मिलता जो दूसरे से कर्जा लेकर के खाते हैं, फिर भाभी का सामान उनके पास नहीं होता। हाँ आखिरी राज्य जो होता है उस आखिरी राज्य में राम वाली आत्मा से सारा साहूकार है ना, इतना बड़ा साहूकार है जैसे आज की गवर्नमेंट भी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ती है। आज की गवर्नमेंट किसके नीचे दबी हुई है? साहूकार के नीचे। टाटा बिरला है इनके नीचे दबी हुई है, इन टाटा बिरला को कहेंगे धृतराष्ट्र, धर लिया है राष्ट्र माने धन संपत्ति, सारे राष्ट्र की धन संपत्ति ये अपनी मुट्ठी में कब्जे किए बैठे हैं, इनकी धन संपत्ति के आधार पर ये राज्य चल रहा है। धृतराष्ट्रों का राज्य है कि नहीं है? तो ऐसे ही आखिरी जन्म में भी ऐसे ही होता है, राम वाली आत्मा जो साहूकार है वो सारा धन अपना दे देती है राज्य चलाने के लिए।
मुझे आठों नंबर नारायण की मैंने वो असंपन्नता होती है जिसके कारण उनको कर्जा लेना पड़ता है। हाँ जी असंपन्न है ये उसको स्वर्ग क्यों बोलते हैं? गिरती कला का स्वर्ग है कि उठती कला का स्वर्ग है? राजाई को नष्ट करने वाला स्वर्ग है या राजाई को स्थापन करने वाला स्वर्ग है? नष्ट करने वाला है। पाठशाला में बिना क्लास किए स्वेच्छा से या निमित्त टीचर के कहने पर हाजिरी रजिस्टर पर साइन करना चाहिए या नहीं बिना क्लास किए? अरे रजिस्टर रखा किस लिए गया है? इसलिए रखा गया है कि जो क्लास करे वो उसमें साइन करे ताकि पता चले। अगर टीचर कहती है कि इसमें साइन कर दो तो टीचर चालाकी कर रही है या सच्चाई सच्चाकारी कर रही है? चालाकी कर रही है। कोई स्वेच्छा से आता है क्लास नहीं करता है बाद में आता है रजिस्टर दे दो हमें साइन करके चले गए तो झूठा काम किया या सच्चा काम किया? तो झूठा काम हो गया। झूठ करने में जाकर तो उसको प्राप्ति होगी। आया तो मंदिर में लेकिन दिल नहीं है माथा टेकने की श्रीमत पर चलने की माथा झुकाने की मनमत पर चलने की इच्छा है इसलिए मुरली भी नहीं सुनना चाहता क्योंकि मुरली सुनेगा तो मुरली की मत पर चलेगा। बाबा वैराग का क्या अर्थ है? वैराग अर्थात विराग। राग माने प्यार लगाओ अटैचमेंट और वि माने विपरीत। प्यार के विपरीत जैसे किसी से प्यार है लगाव है अटैचमेंट है तो हम उसके नजदीक भागेंगे या दूर भागेंगे? नजदीक भागेंगे। वो है राग प्यार और उसके विपरीत कर दिया राग के विपरीत कर दिया तो सन्यासियों ने क्या किया? विपरीत कर दिया। पत्नी बाल बच्चों को छोड़ के भाग गए तो रागी हुए कि वैरागी हुए? वैरागी हो गए। और वैराग में क्या करना पड़ता है? हद के वैराग में तो जानते हैं क्या किया साधु सन्यासियों ने। बाबा बेहद का वैराग बताते हैं कि हम पत्नी बाल बच्चों को छोड़ के ना भागें गृहस्थ धर्म को छोड़ के ना भागें लेकिन क्या भगाए? बुद्धि को उससे दूर रखें अटैचमेंट में ना आने दें। बुद्धि को देह देह के संबंधियों में देह के पदार्थों में अटैचमेंट में ना आने दें अटैचमेंट से बुद्धि दूर रखें यह बेहद का वैराग्य। बाबा कोई गीता पाठशाला के भाई रेगुलर क्लास नहीं करता है संगठन में भी कभी नहीं आता है खान पान भी अशुद्ध रहता है वो कभी क्लास में आते हैं तो क्लास कर सकते हैं? बता दिया है बाबा ने कि जो 2 महीने
महीने से बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है तो बाबा क्या समझते हैं? मर गया, मर गया तो मुर्दे को आकर के बैठने देना है? उनसे कहो पहले भट्टी करो जाके, दोबारा बाप के बच्चे बनो जाके, फिर क्लास में आओ। हाँ महीने महीने में, दो महीने में कम से कम एक बार आता है तो आने दो, कुछ न कुछ तो कान में पड़ेगा, आज नहीं तो कल सुधरेगा, सुधरने वालों में लास्ट में नंबर उसका लग जाएगा। आठ पटरानियां और नौ देवियां एक ही है क्या? जैसे पूछते हैं, अभी एक भाई ने पूछा था, अष्टदेव और अष्टरतन एक ही है क्या? एक है नहीं, रतन कम वैल्यू वाले होते हैं एक दूसरे से, और जो देवता है वो सारे 84 जन्म लेने वाले होते हैं, 16 गला संपूर्ण होते हैं। ऐसे ही उनका नाम ही है पट्टरानिया, तो सार्थ करते करते कहां गिरे जाके? पट्ट में गिर गए। उनको ये अहंकार आ गया और माया ने उनको चमट मार दी, 5 मार से नीचे गिर गए, तो वो बन गई पट्टरानिया। तो जो पट्टरानिया हैं वो दूसरे धर्म की होंगी या सूर्यवंशी होंगी? दूसरे दूसरे धर्म की है, वो है पट्टरानिया। उसका प्रूफ, महारानी राधा की पूजा होती है या पट्टरानियों की पूजा होती है? राधा की पूजा होती है, पट्टरानियों की पूजा नहीं होती है। पटरानी तो बनते हैं, पटराजा बनते हैं तुम है? पटरानी पटराजा, पटराजा अलग होते हैं, जो उनसे कनेक्टेड है वो है पटराजा, वो भी पट्ट में गिरते हैं तो दूसरे धर्म में जाते हैं। उनका नाम नहीं आता है पटराजा का। कन्याएं माताएं भगवान के साथ ज्यादा निभाती हैं या पटराजा ज्यादा निभाएंगे? है ज्यादा नहीं। हाँ, कृष्ण के साथ बैल दिखाएंगे या गैया दिखाएंगे? क्यों है? कारण क्या है? हाँ, गाय सीधी सादी होती है, बैल कोई सीधा सादा नहीं होता है, खग्गा होते हैं, खग्गा मछली। ज्ञान में चलते रहेंगे चलते रहेंगे, जैसे तेल में मछली डाली जाए, खग्गा मछली, तो थोड़ी देर तैरती रहेगी गरम गरम तेल में, और थोड़ी देर बाद उछल के यूं गिरेगी जाके, वो टिकते नहीं है। इसलिए कुमार कम निकलते हैं, आदि से अंत तक ज्ञान में निकलने वाले, चलने वाले। ओम शांति।